सफ़र का दूसरा दिन, नई सुबह की शुरुआत करते हैं एक नई शायरी के साथ। बहारों में भी आज फिर क्या रंग छाया है, नीले आसमान में आज फिर सूरज निकल आया है। तो एक बार आज फिर मुस्कुरा दे, तुमसे मिलने आज फिर एक नया सवेरा आया है। वेलकम बैक टू माई चैनल माई दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। सफ़र का दूसरा दिन बरेली से मुरादाबाद की ओर है। बरेली से मुरादाबाद की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। बरेली यह शहर रामगंगा तट पर बसा है। यह शहर रोहिलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र की राजधानी भी थी। बरेली वैसे तो मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बरेली की बर्फी मूवी ने किप्स की बर्फी को भी ज़्यादा फेमस कर दिया। बरेली ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग किप्स की बर्फी जरूर खरीदते हैं। बरेली शहर ने जरी से कारीगरी तथा बांस फर्नीचर से लेकर व्यापार के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम। यहाँ का सुरमा किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, दूर दूर से लोग यहाँ सुरमा लेकर जाते हैं। बरेली को पांचाल भी कहा जाता है था, और द्रौपदी को पांचाली। ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी भी झुमके पहनने की शौकीन थी, उसका भी झुमका बार गिर गया था और तब से बरेली का झुमका फेमस हो गया था। बरेली में सच में एक बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ है जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। 14 फीट वजन 200 किलोग्राम। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बरेली मार्ग 24 पर झुमका दे रहा है। इसको बनाने में पीतल तथा तांबे का इस्तेमाल किया गया है। यह झुमका बरेली दिल्ली मार्ग पर लगा है। आखिरकार बरेली को उसका झुमका मिल गया, और जो कोई बरेली आता है उसकी एक ख्वाहिश तो होती ही है कि वो एक बार झुमके को जरूर देखे, जो वास्तव में झुमका बहुत ज़्यादा सुंदर है। बरेली उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा महानगर तथा भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा है। यह शहर रोहिलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र की राजधानी भी थी। बरेली स्वाल के लिए प्रसिद्ध स्वाल एक ऐसा व्यंजन है जो बरेली का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। आमतौर पर लोग इसे नाश्ते में खाते हैं। यह मुख्य रूप से बेसन द्वारा बनाया जाता है और मैश किए हुए आलू का चोखा के साथ परोसा जाता है। बरेली घूमने का आदर्श समय सर्दियों के महीनों का होता है। यहाँ पर अलकनाथ मंदिर, टोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिवटी नाथ मंदिर,
गांधी उद्यान, नाथ नगरी आदि दर्शनीय स्थल हैं। बरेली के चारों कोने में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर, कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी है, इसलिए बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। बरेली से नैनीताल की दूरी 125 किलोमीटर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।